लखनऊ में स्थित नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान यानी लखनऊ चिड़ियाघर। गाइस, हम हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां से जूलॉजिकल पार्क 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइस, मैंने टिकट ले लिया है। ये 80 रुपीज़ का एडल्ट का टिकट है, बच्चों के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है, और इसके अलावा अगर आप वीडियो कैमरा लाते हैं तो इसका 100 रुपीज़ का टिकट है। 1921 में स्थापित हुआ यह चिड़ियाघर 72 एकड़ में फैला हुआ है तथा तेंदुए के साथ साथ शेर जैसे मांसाहारी जीवों का घर है। इस प्राणी उद्यान में शेर, चीता, सफ़ेद बाघ, फिशिंग कैट, भारतीय भेड़िए। चिड़ियाघर के नरही गेट के अंदर घुसते ही आपको हिरन, पांडा, बारासिंगा और बाड़ा दिखाई देगा। हिरन के झुंड और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बारासिंगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उल्लू घर में शीशे से झांकते उल्लू और उनकी दिनचर्या को देखा जा सकता है। इसकी 4 प्रजाति के 21 उल्लू हैं, जिनकी आवाज़ और पंखों की फड़फड़ाहट आप सुन सकते हैं। बाल ट्रेन में भी आप सफ़र कर सकते हैं। चिड़ियाघर में दर्शकों के मनोरंजन और भ्रमण के लिए बाल ट्रेन संचालित की जाती है, जिसमें आप बैठ कर के पूरे चिड़ियाघर का इंजॉय कर सकते हैं। ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब ये ट्रेन रवाना होने वाली है। दोस्तों, चिड़ियाघर में आप कई जिराफ देख सकते हैं, इसमें बच्चे और बड़े दोनों हैं। चिड़ियाघर की जिराफ सुजाता अपने शांत स्वभाव की वजह से मशहूर है। सुजाता कभी गर्दन उठाकर पत्ते खाते दिखेगी तो कभी आपके पास टहलते हुए दिखेगी। आगे बढ़ने पर आपको देसी भालू और हिमालयन भालू के दीदार होंगे। खाई नुमा बाड़े में धमा चौकड़ी करते हुए भालुओं को देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 100 से अधिक प्रजातियों के करीब 5,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और चिड़ियाघर में कुल 1,000 से अधिक जानवर तथा पशु पक्षी यानी वन्य जीव रहते हैं। इसमें स्लाथ बियर, इंडियन ब्लैक बियर, गीदड़, लोमड़ी, जंगली कैट आदि प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें आर्ट गैलरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बर्ड हाउस में आप लगभग 80 प्रजाति की के बर्ड्स यानी चिड़िया देख सकते हैं। विभिन्न प्रजाति के फीजेंट की अदाओं को देख सकते हैं। प्रकृति शिक्षण केंद्र में आप बच्चों को विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों के इतिहास से रूबरू करा सकते हैं। कि जो दांत है वो बहुत ही बड़े हैं, इतना बड़ा और इतना मोटा हाथी का दांत मैंने कभी नहीं देखा। आद भी देखे जा सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, हाथी केंद्र में शेर, भालू की खाल और पंजे, हिरन के सींग, भैंसे के सींग, हाथी के दांत। प्रशिक्षण के केंद्र का अलग से टिकट नहीं लेना होगा आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो में लगभग 20 प्रजाति के 4,000 होस्ट और नेक्टर प्लांट यहाँ पर मौजूद हैं। वाइट टाइगर के बाड़े के आगे बढ़ने पर आपको हिप्पो, घड़ियाल, मगरमच्छ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पक्षियों की प्रजातियाँ जैसे सफ़ेद मोर, पहाड़ी मैना, भारतीय तोता के। लखनऊ चिड़ियाघर में जिराफ, दरियाई घोड़ा और कई तरह के हिरन भी हैं जो शाकाहारी हैं। ये तितली पार्क है, इसमें एक विंडो लगा है, इसका टिकट 20 रुपीज़ का है। 2.5 एकड़ में बने बटरफ्लाई पार्क में लगभग 60 प्रजाति की तितलियाँ दिखाई देती हैं। इसमें नीले, पीले, मकाऊ, पहाड़ी तोता, हिल मैना, सफ़ेद मोर, खूबसूरत एंट्री की गेट, अत्याधुनिक पाली हाउस, 3 नेचुरल तालाब। दोस्तों, यहाँ पर टाइगर की भी कई प्रजातियां हैं, जिसमें आप वाइट टाइगर खास है। चिड़ियाघर में वाइट टाइगर विशाखा और उसके बच्चे जय और विजय को देखना सबसे खास होता है। इसके अलावा टाइगर की दहाड़ आपका रोमांच बढ़ाएगी। यहाँ 3 सटे पाड़ों में एक के बाद एक फुर्तीले टाइगर दिखेंगे। इसमें कई टाइप के टाइगर हैं, आदमखोर, किशन, शिशिर, इशिप्ता टाइगर आदि आपको देखने को मिलेगा। चिड़ियाघर में लायन हाउस में आपको शेर भी देखने को मिलेगा। इसमें पृथ्वी शेर और वसुंधरा शेरनी आपको देखने को मिलेगी। हरियाली से भरे बाड़े में वसुंधरा शेरनी और पृथ्वी की दहाड़ आपको रोमांचित करेगी। इसके आगे विशाखा शेरनी के बच्चों को आप दूसरे बाड़े में चहलकदमी करते हुए देख सकते हैं। राज्यकला संग्रहालय लखनऊ के चिड़ियाघर के अंदर है। इसका टिकट है 12 रुपये एडल्ट का और 5 रुपये चिल्ड्रेन का है। अगर आप कैमरा या मोबाइल कैमरा ले जाते हैं तो उसका चार्ज 50 रुपीज़ है। अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनके लिए 210 रुपीज़ टिकट है। चिड़ियाघर के परिसर के अंदर ही आपको एक संग्रहालय भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ स्थित स्टेट म्यूजियम में दर्शक विरासत से रूबरू हो सकते हैं। संग्रहालय में लगभग 1,00,000 से अधिक कलाकृतियाँ हैं। इसके पुरातात्विक सामग्री, सिक्के, लघुचित्र, धातु और कास्ट कलाकृतियाँ आदि मौजूद हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं मछली घर में। ये मछली बनी हुई है, इसके दांत आप देख सकते हैं और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मछली घर भी है, अगर आप चाहें तो मछली घर का भी एंजॉय कर सकते हैं। चिड़ियाघर परिसर में स्थित मछली घर में आप 65 प्रजाति की 800 से ज़्यादा मछलियों को यहाँ पर देख सकते हैं। मछली घर के पौंड में मछली के साथ आप कछुओं को भी देख सकते हैं। खास बात यह है कि आपको इसके अलावा कोई अतिरिक्त टिकट नहीं लेना होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। दुनिया के सबसे विषैले सांप भी यहाँ पर हैं, जैसे लखनऊ चिड़ियाघर में सांप घर में 7 प्रजातियों के लगभग 40 सांप हैं। भारतीय तोता के साथ ही भारतीय अजगर, कोबरा सांप एवं मगरमच्छ भी हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें दुनिया के दो सबसे विषैले सांप शामिल हैं। इसमें रसेल वाइपर भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे विषैला सांप माना जाता है। बोटिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। हरे पेड़ पौधों की छाव में बोटिंग का मजा बेहद खास होता है। चिड़ियाघर में महज 20 रुपीज़ में पर पर्सन किराया देकर के आप जो है बोटिंग कर सकते हैं।